कीचड़ उछालने से कोई, जो मर्जी कीचड़ उछाले, कीचड़ उछालने से कोई भी नहीं है। तो राहुल गांधी कौन से कोई है? इतना कोई इंटेलिजेंट बन रहा है अपने आप को, कोई खास नहीं बन रहा। जो वादे कर रहे हैं राहुल गांधी लगातार, उस बात पर कुछ नहीं, इतने साल कांग्रेस रही है तब वादे हुए हैं, तो उसमें क्या किया उन्होंने, कुछ किया उन्होंने? ऐसा है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, किसी पे क्या, तो साबित करे जो आदमी वो सही होता है। ऐसे जिसको मर्जी जो मर्जी गाली दे दो, जो मर्जी बकवास कर दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो राहुल गांधी जो लगातार नए पैतरे अपना रहे हैं, उन्होंने 72,000 रुपये सालाना देने की बात करी है, कुछ हो पाएगा इससे? ये वही बताएंगे कि कहाँ से देंगे कहाँ से नहीं देंगे, मुझे क्या पता कहाँ से दे रहे हैं। या तो मैं वहाँ उस खजाने का मालिक हूँ, मुझे पता माल पड़ा, फिर तो मैं कह दूँगा हाँ जी बिल्कुल दे सकते। काम जो कर रहे हैं वो काम करते के साथ फेंकते जाते हैं, बोलते जाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन करने के पीछे देखा जाए ना बहुत कुछ कम किया उन्होंने। और कांग्रेस पार्टी ने आपके हिसाब से काम करा? हम इनको मौका देंगे कि कांग्रेस पार्टी को, तो वो करने का सोच सकते करें, जो उन्होंने नहीं किया हो सकता है ये करें। सर लगातार 60 साल से मौका ही मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? 60 साल से जो मौके की आप बात कर रहे हैं, 60 साल में, इस साल में इस जो बदलती हुई जो जनरेशन है, जो कंप्यूटराइज चीज़ है, इनमें उनको मौका नहीं मिला। अब जनता जानती है, जागरूक है, क्या कहते हैं इसको, नेटवर्किंग की वजह से, तो नेटवर्किंग के दौर में रहेंगे तो हो सकता है जो उनके अंदर कमी है कुताही है वो सुधर जाए। सर लेकिन राहुल गांधी तो लगातार ऐसी बातें बोलते हैं जो मन जो राहुल गांधी लगातार अब ऐसी बातें बोलते हैं जिन्हें मानना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, आप उस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? युवा नेता हैं वो, और आजकल के हर युवा वृत्त उनको लाइक करती है और चाहती है कि वो बने, और लाइक पसंद भी है और लाइक भी है वो इस लाइक है। सर लगातार सर्वे चल रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी को पसंद बताया गया, अब सर्वे भी उन्हीं के हाथ में है तो चल रहा है तो चलने दीजिए। नरेंद्र मोदी बेस्ट है, उन्होंने गुजरात को भी अच्छा बनाया है और इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो भी मेजर इश्यूज़ हैं, आतंकवाद हो गया, गरीबी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इंडिया काफ़ी हाई जा रहा है, और इंडियन आर्मी को भी काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी बेस्ट है सबसे इससे। सर नरेंद्र मोदी पर जो गाना आया है कांग्रेस पार्टी का, उसमें इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन जो बीजेपी का गाना आया है उसमें उन्होंने सिर्फ अपने काम गिनवाए हैं, इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? पार्टियों, विपक्ष और पक्ष की पार्टियां यहाँ तो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी, क्योंकि वो खुद को जिताना चाहती हैं, लेकिन जो देश के लिए बेहतर है वो उसके कामों से गिना जा सकता है। तो साफ सीधी बात है, जिसने अच्छा काम किया है, जिससे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट है, वो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है। बीजेपी जब से ये भुखमरी आई है, हम तो ज़्यादा कांग्रेस आए, कम से कम वो भी जेपर है, हम भी जेपर हैं। तो मतलब जो कांग्रेस पार्टी है वो खाने देती है और खाती है, हमें भी खाने देती है, ये खुद ही खा रहे हैं, हमें खाने नहीं दे रहे, ये खुद ही खा रहे हैं। तो मतलब रिश्वत बंद हो गई है? रिश्वत नहीं बंद हुई है यार, काम धंधा बंद हो गया, ब्लैक मनी। हाँ ब्लैक मनी बंद हो गया, हमारा ब्लैक मनी से काम होता है ना। अरे रोजगार भी तो नहीं है, अरे रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी है, रोजगार नहीं है, कमा नहीं सकते, GST का है, GST लगाई हुई है, महंगाई करी हुई है, क्या फायदा हुआ नोटबंदी का? फायदा क्या हुआ GST नोटबंदी से? क्या फायदा हुआ? पैसे वापस आ गए बैंक के अंदर, 99% पैसा वापस आ गया बैंक के अंदर, फायदा क्या हुआ? ब्लैक मनी कहाँ मरी? ब्लैक मनी सब वापस आ गई बैंक में। सर वापस आई है, इसके द्वारा लोगों का पैसा जितना है वो पता लग रहा है कि कितने पैसे हैं अब लोगों के पास, पहले जो ब्लैक मनी था वो अपने पास रखा रहता था। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है यार, जो अबकी जो करेंसी है वो जेब में रखी होती, सब कुछ अभी भी रखा हुआ है, ऐसा सब कुछ वैसे का वैसे है, लेकिन क्या है इन्होंने सिर्फ हाई लेवल के बंदों को और सपोर्ट दी है, जो मिडिल क्लास है वो और डाउन ही हुआ है, उसको तो रोटी खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तो जो मिडिल क्लास है उसके लिए काम नहीं करा बीजेपी ने बिल्कुल भी, कांग्रेस पार्टी ने छोटे लेवल पे काम करा था, उन्होंने छोटे लेवल पे भी काम करा, छोटों को भी खाने दिया, बीच वालों को भी खाने दिया, बड़े तो खा ही रहे थे, लेकिन इस टाइम पे जो बीजेपी के सपोर्ट में सिर्फ बड़े ही खा रहे हैं, छोटे और बीच वाले सब मर चुके हैं। अब आप देखो मोदी के अंदर कुछ और बात है, कांग्रेस में कोई है ही नहीं ऐसा बनने लायक प्रधानमंत्री, मोदी की है, लेकिन मोदी ऐसा काम तो करे कि जिससे सबको सुकून मिले, सबको आराम मिले, ये नहीं ना सिर्फ अंबानी खा रहे हैं बस, वही सभी माल खा रहे हैं, बाकी जो छोटी क्लास के हैं उनके काम में सब चौपट हो गए हैं। अपोजिशन पार्टी हमेशा हमला करती ही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो जो काम गिनाएगा, जिसने काम जो दिखाई देता है उसी को ही वोट देना चाहिए। तो आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी को ही वोट देना चाहिए? उनका विजन बहुत स्ट्रांग है, तो राहुल गांधी को या और किसी को ऑप्शन नहीं है? अभी उनका इतना एक्सपीरियंस है, अभी तो उनका अपना महागठबंधन चल रहा, अभी तो उनको यही नहीं मालूम कि किसको बनना है, जब वो जीत भी जाएंगे तब भी सारे लोग मिलके आ जाएंगे, सब लोग दावेदार होंगे, नरेंद्र मोदी तो अकेला चेहरा है। तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सर आपके हिसाब से किसे बनाना चाहिए?
जिनका कोई विज़न हो कंट्री के लिए, जो कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, ये सिर्फ उल्टे सीधे ये ऑफर कर रहे हैं जो प्रैक्टिकेबल नहीं है। और कंट्री में कुछ विज़न काम के लिए दें कि हम कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे, ये नहीं फ्री वाले दे के, वो नहीं। 72,000 रुपये सालाना देने की बात करी, गलत है, वो टैक्स पेयर्स मनी है ना। जो 72,000 बोले वो तो हम लोगों की जेब से जाना है, वैसे ही मिडिल क्लास, लोअर क्लास को 72,000 मिलेगा वो मिडिल क्लास की जेब से जाएगा, अपर क्लास को फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो जाना तो हमारे टैक्स से। वो किस बजट से देंगे वो 70,000, कभी किसी ने सोचा है पब्लिक ने? सर लेकिन लगातार यहाँ की पब्लिक से हम मिले और लोगों ने बताया कि क्या नाम है जो ये मिडिल क्लास के लिए कुछ काम नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है, जो जब से देश आज़ाद हुआ है 60-70 साल में ऐसा क्या काम हुआ है जो कि हम 5 साल में उसको कंपेयर कर पाए कि कुछ काम नहीं हुआ। 5 साल में किसी भी काम करने के लिए कोई भी एक उसका बेस बनाना पड़ता है, तो 5 साल तो भी इन चीज़ों के बेस बने हैं। मान लो दूसरी कंट्री से कोई रिलेशन बने हैं, दूसरी जगह सब गए आज तक, तो उसका रिजल्ट तो धीरे धीरे आएगा ना, 1 साल पढ़ने के बाद ही रिजल्ट आता, तो 1 महीने में तो आता नहीं। तो नींव रखी जा चुकी है, अब काम दिखेगा आपकी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो काफ़ी कुछ दिखा है और आने वाले टाइम में बहुत काम दिखेगा आपके हिसाब से सर? हाँ, मोदी साहब को ही आना चाहिए, एटलीस्ट ही शुड गेट अनदर 5 ईयर्स, उसके बाद रिजल्ट बेस पे जो भी होगा, अभी तो उन्हीं को आना चाहिए। तो जैसा कि आप सबने देखा कि राहुल गांधी ने जो इल्ज़ाम लगाए वो गलत लगाए हैं, नरेंद्र मोदी ने जो अपने काम दिखाया है गाने के रूप में, और केवल राहुल गांधी ने अपने गाने में इल्ज़ाम लगाए हैं, तो लोगों ने इसे साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने काम करे हैं इसलिए गिनवाए हैं, और वो विपक्ष पार्टी है और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ना वो काम करते हैं इसलिए सिर्फ उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए आई न्यूज़ इंडिया पर।